और सर को तो मतलब जय जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे 6 बजे जो है भैया को लेके जाना है, बुकिंग लगी हुई है, तो फिलहाल ना भैया को मैं लेके मतलब अपना शुक्लागंज भी पहुंच गया हूँ, तो भैया को लेके जाना है, तो देखते हैं कहाँ जाना है। ठीक है भाई, लेकिन दिक्कत बहुत हुई, बिकॉज यार ना कल मतलब सोते सोते बज गया था 4:50 और भाई उड़ गए अपन 6:10 पे। ठीक है, मतलब भाई 1.5 घंटे की हार्डली नींद ली और इससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाई भाई। तो मतलब जो है बस रास्ते में नींद ना है, बाकी सब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे नहीं आएगी यार, क्योंकि मतलब 1 घंटे की नींद भी सफिशियंट होती है 2-4-6 घंटे जगने के लिए, है ना। तो ये चीज है, बाकी चलते हैं सीधा, पहुंचते हैं और देखते हैं कहाँ पे चलना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन ना मतलब लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं और बाराबंकी भी क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग ना रुदौली के पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली हम लोग ना जा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। चलिए भैया से पूछते हैं, तो भैया हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? अयोध्या। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, तो हम लोग श्री राम की नगरी जा रहे हैं अयोध्या। ठीक है, और सर को तो मतलब जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों ना अभी चलते हैं और पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी और मतलब लगभग अभी 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा, 45 मिनट के आसपास का पहुंचने में। ठीक है, बिकॉज यार ट्रैफिक था और मतलब आज काफी दिनों बाद जो है मार्केट खुली है ना, तो इसकी वजह से काफी ट्रैफिक था। तो चलते हैं बाकी और देखते हैं कितना समय प्रॉपर लगेगा, मतलब एग्जैक्ट 45 मिनट लगेगा कि 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना आ चुका हूं अयोध्या जिले में। ठीक है, श्रीराम की नगरी में, और इसी के साथ ना भैया अपना काम निपटाने गए हैं, तो अपन ना भाई अभी करेंगे वेट भैया का, तो देखते हैं भैया का काम कितनी देर में खत्म होता है। फिलहाल मैं टाइम बता दूं आपको, टाइम हो रहा है कितना, 1 सेकंड स्क्रीन ऑन हो रही है अभी, इससे अच्छा तो हम फोन में देख के बता देंगे। 1 मिनट भाई, हम भी अच्छा लुल रहे हैं। 12:18 भाई, ठीक है 12:30 हो चुका है मतलब के। ठीक है, और भाई अब भैया अपना काम निपटा के आएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे सीधा कानपुर तरफ। और भाई मतलब गंदी नींद आ रही है इस समय, मतलब वीडियो तो हम बना ही रहे हैं यार, कोई इशू नहीं है, मतलब वो तो मजा आती है आजकल बनाने में, अब आने लगी है ना। तो ये है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी हम सोच के आ रहे हैं यार, भाई छाया मिल गई और जगह भी, तो यहाँ पे ना मतलब सो ले यार 10-5 मिनट की, क्योंकि यार कल सोए नहीं मतलब रात में यार, अपन 1-1.5 घंटे में क्या ही होता है ना। और फिर इधर भी आ गया यार, लगभग कितनी गाड़ी चल गई अपनी, 230 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है, तो बाकी देखते हैं यार क्या होता है, नींद आएगी तो सो लेंगे, नहीं आएगी तो वेट कर लेंगे, और फिर जैसे कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस वाली राइड पे ना मैं आया हूँ लगभग जो है 10 रुपए/किलोमीटर के हिसाब से, और बाकी भैया बहुत तगड़े हैं, अच्छे हैं। ठीक है, नाश्ता वास्ता कर लिया है भाई, तो अब ना देखते हैं आगे का सीन। ठीक है, जो भी होगा जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स हम लोग ना निकल चुके हैं यहाँ से और हम लोग आ रहे हैं सीधे कानपुर की तरफ, लेकिन बीच में ना हम लोग रुक के खाएंगे खाना। और सर देख रहे हैं अपने, ऐसे कस्टमर होने चाहिए भाई साहब, साथ में ब्लॉग बना रहे चलो दोस्तों चलते हैं सीधा। ठीक है, और खा पी के फिर आ जाएंगे, और टाइम अपना भी यार 2 बज गया है, तो मतलब 3-4-5-6-6:30 तक जो है हम लोग पहुंच ही जाएंगे कानपुर, लगभग 7 भी बज सकता है, बिकॉज यार ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं इस टाइम ना, लखनऊ हाईवे का काम भी चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं ना आ चुका हूं अभी ये अपना शुक्लागंज के पास में। ठीक है, और यहाँ पे ना भैया को वही 10-15 मिनट का काम है, तो यहाँ पे 10-15 मिनट रुक करके फिर चलेंगे सीधे घर की तरफ। तो भैया को मतलब बहुत ज्यादा घर के पास में ही मतलब छोड़ना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं छोड़ना है, तो करते हैं यार वेट मतलब 10-15 मिनट और फिर चलते हैं लेके भैया को, और फिर भैया से पेमेंट भी लेंगे, तो देखना है कितना पेमेंट बनेगा भैया का। ठीक है, और कुछ नहीं, बस वेट ही करते हैं यार। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया को मैंने कर दिया ड्रॉप, अब जो अपनी गाड़ी चली ना वो टोटल किलोमीटर चली 460 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ ना जो अपना टोटल अमाउंट बना वो बना 4600 रुपए का, मतलब 460 × 10 = 4600 रुपए। ठीक है, अब उस 4600 रुपए में मैं आपको बता दूं टोटल अपनी गैस कितनी लगी, मतलब इसमें मैंने ना टोल को नहीं ऐड किया, बिकॉज टोल जो अपना लगा वो एक्स्ट्रा मैंने ले लिया। ठीक है, तो टोल को हटा दो आप। ठीक है, जो 4600 रुपए में टोटल अपनी गैस लगी, ठीक है, वो लगी टोटल जब मैं जा रहा था यहाँ से, तब मैंने 700 की डलवाई। ठीक है, फिर मैं पहुंचने वाला था तो 300 की और डलवाई, तो हो गई टोटल अपना 1000 रुपए की। और इसी के साथ ना जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने 500 की फिर से डलाई, तो अपनी टोटल गैस डलाई आज मैंने कितने की,
1500 रुपए की, ठीक है। तो उस 1500 रुपए में आपको बता दूं 100-150 की तो अभी भी बची हुई है, लेकिन आप उसको 1500 मोटा मोटा मान सकते हैं, तो 4600 माइनस 1500 करेंगे ना तो टोटल अपना बच गया 3100 रुपए, ठीक है दोस्तों। जो अपनी आज की बचत है, जो अपनी कल की बचत थी वो भी लगभग 3200 थी, जो अपनी आज की बचत है वो भी लगभग 3100 रुपए। तो मतलब जो अपना यार परसों का काम नहीं हुआ था ना, तो अगर हम खाली आज और कल का काम जोड़ देते हैं जो 6000 का हो गया, तो अगर परसों का काम नहीं हुआ ठीक है, तो उसको ना इन दोनों दिनों के काम ने ना जो उस वाले को कवर कर लिया, मतलब कि कोई इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ। अगर पूरे अमाउंट को हम लोग जोड़ लेते हैं तो पर डे का रेशियो 2000 के आसपास आ गया। तो मैं हमेशा अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को यही समझाता हूं दोस्तों कि अगर सपोज किसी कारणवश किसी दिन काम नहीं हो पाता ठीक है, तो उससे हताश निराश परेशान ये सब नहीं होना है ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि जैसे आज अगर अपना काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, मतलब हो जाता है ठीक है ऊपर नीचे करके। अब भाई कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं कि नहीं भाई मतलब होगा ही होगा इतना, है ना। ये तो मतलब लाइक बिजनेस है यार, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब चला करता है राजकाज है ठीक है, जैसे लाइफ होती है ना ऊपर नीचे, तो वही सीन है ठीक है दोस्तों। तो भाई काम तो अपना सही हो गया ठीक है, और भैया को ड्रॉप करके ना भाई मतलब सोया तो मैं था ही नहीं, तो सोना तो था यार, गंदी नींद लगी हुई थी, लेकिन अपन ना यार आ गए थे वीरेंद्र स्वरूप पार्क श्लोक से मिलने, तो श्लोक जा चुका है अपने घर और अब हम भी चल रहे हैं अपने घर ठीक है। समय हो चुका है अपना 9 बज चुका है यार, मतलब चुल्ल देख रहा हूँ लौंडे की भाई, मतलब ये नहीं कि 2 दिन से सोए नहीं भाई तो मतलब घर चले जाए ना, मतलब मौज काटनी है जाके वीरेंद्र स्वरूप पार्क पे। तो ये सही ना, अपन कानपुर के लौंडों का भी ना अलग ही लेवल पे चल रहे होते हैं। तो भाई अभी ना सीधा चलते हैं हम लोग घर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ठीक है, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाकी चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कल तो यार लेट ही निकलेंगे बिकॉज यार आज मतलब दम्भर सोना है भयंकर वाला ठीक है दोस्तों। बाकी मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, सदा खुश रहें, देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।